हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडिंग प्रवीण में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने फिर से एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया शेयर ढूंढ के लाया हूँ। चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, जिससे रोजाना आपको ऐसे नए नए बेहतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं आप सबके सामने एक शेयर ढूंढ के लाया हूँ, उसका नाम है KNR रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी में अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी ने एक MOU साइन किया है मुक्तिनाथ दर्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। इस MOU में ये कंपनी 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्रोजेक्ट लगाएगी जानकी नेपाल में केबल कार का। ये प्रोजेक्ट 4150 करोड़ का है। ये केबल कार प्रोजेक्ट 84.32 किलोमीटर का है नेपाल के अंदर। अब ये कंपनी नेपाल में भी इंटरनेशनली काम करेगी। चलिए आगे बताता हूँ। इससे पहले भी इस कंपनी को 300 करोड़ का एक ऑर्डर 12 मई को मिला था। 10 मार्च 2023 को भी इस कंपनी को 300 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था। इस खबर के आने के बाद आज इसमें अपर सर्किट लग गया था और ये 822 तक पहुंच गया था। चलिए आगे बताता हूँ। एक साल पहले इसका शेयर 27 रुपए का था और अब 822 का है। एक साल में इसने 30 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। अब आप खुद सोचिए कि इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपने अब तक देखी नहीं हुई कि एक साल में 30 गुना कराए। सोचिए, एक साल पहले सिर्फ 27 रुपए की कीमत वाला शेयर आज 822 रुपए का है। तो सोचिए इसने अपने निवेशकों को कितना कमा कर दिया है। ये एक अच्छी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1187 करोड़ है। पीई रेशियो 189.05, आरओई 6.46% और डेब्ट टू इक्विटी 0 है। सोचिए इस कंपनी का कर्जा है ही नहीं, बिल्कुल ये डेब्ट फ्री कंपनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी टर्न के आधार पर प्राइवेट रेलवे स्लाइडिंग बिछाने का काम करती है। ये कंपनी 1983 में बनी थी। आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर का 61.42% और रिटेल का 38.58% स्टेक है। एक अच्छी कंपनी है, इसने एक साल में काफी फायदा करवाया है अपने निवेशकों का। आपको इस कंपनी पर अपनी नजर बनाकर रखनी चाहिए। ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी नहीं है तो आप इस शेयर पर अपनी नजर बनाकर जरूर रखें और इसको अपनी वॉच लिस्ट में एड कर ले। ये इससे जुड़ी नई खबर आई थी, इसलिए मैं इस शेयर को आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ये कोई मेरी शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप ऐसे नए नए शेयरों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे रोजाना आपको ऐसे नए नए शेयरों के बारे में पता चल सके। और शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने ऐसे एक नया बढ़िया शेयर लेकर। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।